All of you. Today we will explore chapter 16 of class 5th, India Wins Freedom. It is the chapter in that we will learn all the freedom campaign. ये chapter बहुत ही inspirational है और बहुत ही motivational है और इस chapter पर आपको Indian history की बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और यही चीज़ें explore होंगी class 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में. So अगर आप history लेते हैं तब तो science, अगर आप arts लेते हैं तब तो आपके साथ 12th तक ये chapter रहेगा या competitive exams में भी इनके questions आते हैं. So ये chapter बहुत important है. So let's start this chapter. So today we will learn. Firstly, we will learn the India's struggle. सबसे पहले जो इंडिया की स्ट्रगल थी इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो इंडियन की स्ट्रगल्स थी वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हुए उसमें और सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस था, सबसे बिग जो नेम आता है वो हम सब जानते हैं कि वो आता है महात्मा गांधी जी का. महात्मा गांधी जी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी. He has studied law in England and went to South Africa to practice. महात्मा गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की थी और साउथ अफ्रीका वो लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए गए थे. वहाँ उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस महसूस किया. What is the on the basis of skin color? Racial discriminations means वो चीज़ होती है जब हम लोगों के बीच भेदभाव करते हैं. सो लोगों के बीच हम जब वहाँ उन्होंने महसूस किया महात्मा गांधी जी ने कि लोगों के बीच साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा उस टाइम समय में ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशंस था. ब्लैक में और वाइट मीन्स स्किन कलर के बेस पे. सो जो क्योंकि फॉरेनर्स ब्रिटेन्स वहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स मोस्ट ऑफ वाइट ही थे. सो वो ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे. उनको लगता था कि स्किन के कलर के बेस पे ही पर्सन की ह्यूमैनिटी, पर्सन की सुपीरियरिटी फिक्स होती है. बट ये रॉन्ग था. सो महात्मा गांधी जी ने उस टाइम समय पे फील किया. उनको जैसा कि आपको पता होगा, ये बुक में नहीं दिया है बट इट हैपेंस विद हिम. उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में. उनको एक चलती हुई ट्रेन से ड्यू टू, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी लेकिन फिर भी उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर थ्रो कर दिया गया था. ये चीज़ इस समय में महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ. वो अगेंस्ट इंडिया आ गए और उन्होंने फ्रीडम की ही थॉट, उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे इस ऐसा लग रहा है बाहर कर तो मेरे साथ बहुत सारे जो देशवासी है जो इंडिया में है उनके साथ कैसा बिहेव होता होगा. साथ ही साथ उन्होंने एक और डिटरमाइंड किया, एक और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया. उन्होंने ये कहा कि अगर जिस तरह से अंग्रेज़ों ने मुझे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर करूँगा. इस डिटर्मिनेशंस के साथ में महात्मा गांधी इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद में महात्मा गांधी की जो स्ट्रगल थी वो कंटिन्यूसली उन्होंने शुरू किया. ब्रिटिश को उन्होंने अपनी डिमांड मानने पे मजबूर कर दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी हैज़ कम्प्लीटेड हिज स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने महसूस किया जिसके बाद वो इंडिया आए. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस. इन सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ गिवन दैट महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915. सो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए और बहुत सारे इंडिया के पार्ट पे उन्होंने विजिट किया. वो शॉक्ड हो गए इंडिया की कंडीशंस देख के. सो पीपल ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस, जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ बोल्ड ऑल्सो, यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट भी किया गया है, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ ट्रूली आर ट्रीटेड अनजस्टली. लोग जो इंडियन पे, उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे लोग बटे हुए थे, डिवाइडेड थे, डिफरेंट अनजस्टिफाई थी. यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारे ब्रेड रिचुअल्स थे उन्होंने. तो फर्स्ट ही हैज़ डिसाइडेड टू यूनाइट द पीपल फर्स्ट. महात्मा गांधी जी ने पहले सोचा कि उन्हें लोगों को यूनाइट करना होगा, एक करना होगा. सो उसके बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस अपना किया था, जो अफ्रीका में उनको एक्सपीरियंस हुआ था साउथ अफ्रीका में, उस एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने यहाँ वर्क करना शुरू किया. ही ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द कंट्री. उन्होंने इंडियन फ्रीडम पे एक्टिव पार्ट लिया और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने इंडियन फ्रीडम पे. द ईयर 1915 वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. महात्मा गांधी फाउंडेड सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद
In December 1960, he also attended the Lucknow session for Indian National Congress. ये बहुत important चीज़ है कि 1915 Indian struggle history की, देखिए fighting तो हमें पता है कि 1857 की भी fight हमें पता है, first war. So many times हम सारे Indians fight कर रहे थे freedom के लिए, बट वो यूनाइट नहीं थे. सो महात्मा गांधी ने सब लोगों को एक करने का काम किया, यूनाइट करने का काम किया. 1915 इसीलिए इंडियन फ्रीडम का एक टर्निंग पॉइंट प्रूफ हुआ. व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में फॉर्म किया दिसंबर 16 में. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन किया और वहाँ पे भी बहुत सारे सेशंस लिए. नाउ सत्याग्रह, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ कमिंग इन एग्जाम. एग्जाम में आपको सत्याग्रह से भी और इनके सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली दिस ईयर. जैसा पहले भी मैंने आपको बताया, इस सिर्फ इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर भी आपको ये सारी चीज़ें वर्क आएंगी. सो ही हैज़ सत्याग्रह. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? सो महात्मा गांधी सत्याग्रह के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो करते थे. द वर्ड सत्याग्रह इज़ एक्चुअली अप टू टू वर्ड्स. सत्याग्रह दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सत्य आग्रह. सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, सच. आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट. सो ये दोनों वर्ड मिलके बना, मतलब ट्रुथफुली. सत्याग्रह मीन्स सत्याग्रही, मीन्स ट्रुथफुली इंसिस्ट. वी विल इंसिस्ट, ही महात्मा गांधी टोल्ड दैट वी विल इंसिस्ट टू ब्रिटिशर्स. हम ब्रिटिशर्स से इंसिस्ट करेंगे, सच्चाई के साथ में इंसिस्ट करेंगे कि वो हमारी नेशन को फ्री कर दे. और सत्याग्रही, वन मोर टर्म इज हियर, द सत्याग्रही. सो हु इज़ द सत्याग्रही? द सत्याग्रही इज़ वन हु फॉलो सत्याग्रह एंड स्टिक टू वॉट इज़ राइट. सत्याग्रही वो होते हैं जो कि सत्याग्रह को फॉलो करते हैं और हमेशा उस चीज़ पे अड़िग रहते हैं, उस चीज़ पे डटे रहते हैं जिस पे वो सही होते हैं, राइट होते हैं. सत्याग्रही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेक्रीफाइस. सत्याग्रह को किसी भी तरह के सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना होगा. महात्मा गांधी हैड फेथ इन सत्याग्रह एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस. महात्मा गांधी के टू टूल्स थे, जैसा कि हम देख जानते ही हैं कि अहिंसा एंड ट्रुथ. सो अहिंसा, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अहिंसा? नॉन वायलेंस. वॉट इज़ नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस ये होती है कि किसी भी तरह का खून खराबा, किसी को मारना नहीं है, किसी को भी अटैक नहीं करना है. बहुत ही शांति से, बिना हथियार उठाए, बिना किसी को से लड़ाई किए हम जब अपनी फाइट करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन वायलेंस. और महात्मा गांधी जी ने इसी टूल के साथ में इंडियन फ्रीडम की फाइट की थी. देन आफ्टर चंपारण कैंपेन, चंपारण कैंपेन, महात्मा गांधी इंटर्ड एक्टिवली पॉलिटिक्स विद द चंपारण कैंपेन टू रिड्यूसल ग्रीवेंस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन एट बिहार. बिहार पे जैसा कि हमें पता ही है कि इंडिगो कल्टीवेशंस पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. ये इंडिगो कल्टीवेशन क्या होती है? इंडिगो कल्टीवेशन ये होती है कि इंडिगो मीन्स नील की खेती के लिए लोगों को, जो इंडियन के फार्मर्स थे, उनको ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया ताकि वो उनकी ट्रेडिंग कर सके. अब जो फार्मर्स थे उन्होंने डिनाई किया इंडिगो की फार्मिंग से. इसलिए उन्होंने डिनाई किया क्योंकि इंडिगो की फार्मिंग करने पे जो फार्मर की लैंड है वो बैरन लैंड हो जाती है. बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन, वह लैंड जिस पे फिर से आप कभी कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई, क्योंकि बिकॉज जो फार्मर्स थे उनकी जो लैंड थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो रही थी इससे, इसीलिए उन्होंने इसका अपोज किया था. सो चंपारण कैंपेन वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया. ये कैंपेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था. वॉट इज़ द सिविल डिसोबीडियंस? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स द इफ़ अगर हम किसी गवर्नमेंट के ऑफर को, गवर्नमेंट के रिक्विजिशन को डिसओबे करते हैं. डिसओबे मीन्स अस्वीकार करते हैं. सो लोगों ने, फार्मर्स ने यहाँ पे कह दिया कि नो, दे वो किसी भी कंडीशन में इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करे थे. यहाँ पे जो प्लांटर्स थे उनको एक प्रॉब्लम थी, तीन कठिया सिस्टम. देयर इज़ अ तीन कठिया सिस्टम रिटन इन द बुक. व्हाट इज़ तीन कठिया सिस्टम? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वो हर एक फार्मर को फोर्स करते थे कि उनकी 1/3 लैंड पे वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें. और ये जो सिस्टम थी वो फार्मर्स के लिए फेवरेबल नहीं थी क्योंकि उनके पास बहुत ही कम फूड ग्रेन्स बच जाते थे. महात्मा गांधी ने इसके लिए सत्याग्रह किया. उन्होंने फास्ट रखी, उन्होंने अंडर स्ट्राइक की, वो उपवास रखे.
सत्य की, क्योंकि उनका वो ट्रुथ थे, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह एक यहाँ पे सत्याग्रह कैंपेन किया चंपारण पे, और बहुत दिनों तक इसके लिए उन्होंने फास्ट रखा, 100 स्ट्राइक रखा और प्रोटेस्ट किया। इससे कि क्या हुआ, जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एग्री हो गई फार्मर्स की डिमांड को, उन्होंने मान लिया। सो महात्मा गांधी ने इस तरह से ये बैटल जीत ली, और ये फर्स्ट बैटल थी, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट था। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन जो फ्रीडम थी उस पर इन्होंने बहुत ही, इस मोमेंट ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से रोल प्ले किया था। सो चंपारण कैंपेन क्या है, चंपारण कैंपेन जैसा कि हमने देखा कि प्लांटर्स को फोर्स किया जाता था ब्रिटिशर्स के से कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें 3 कटिया सिस्टम पे 1/3 लैंड पे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस 100 स्ट्राइक करके इस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और फाइनली महात्मा गांधी ने इससे फर्स्ट बैटल, उनकी जो फर्स्ट लड़ाई थी वो उन्होंने जीत ली। देन आफ्टर इस कैंपेन के कारण एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट को कहते हैं हम द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपको रॉलेट एक्ट न सिर्फ अभी बल्कि बाद में भी आपको पूछा जाएगा, हायर क्लासेस में भी। सो द रॉलेट एक्ट गेव अनब्राइडेड पावर टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट द इन प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट होल्डिंग द फेयर और ट्रायल। रॉलेट एक्ट ये एक्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट को एक पावर मिल गई जिससे कि वो बिना किसी फेयर और ट्रायल के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते थे बिना उनकी नोटिस किए हुए, अगर कोई उनके सस्पेक्ट है तो। जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारे लोग फ्रीडम के लिए कैंपेन करते थे, तो इस तरह से जो कैंपेन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल पे 1999 पे। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, हिस्ट्री पे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, और कब पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, इट इज़ ऑफ द 10th November 1919। सो पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द 13th April 1919 एट पार्क कॉल जलियावाला बाग इन अमृतसर, वेयर थाउजेंड्स पीपल including women and child assembled. This meeting was held to protest against the arrest of leaders under the Rowlatt Act. 13th April 1919 को एक पब्लिक मीटिंग हुई थी, जितने लोगों को, जितने भी लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनके अगेंस्ट में, जिसमें बहुत सारे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन कलेक्ट हुए थे। और इस मीटिंग पे जो इस मीटिंग के पहले किसी को भी नहीं पता था कि क्या होना है, बट ऑल ऑफ सडन इस मीटिंग पे एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया, और फ्रीडम के लिए जो लोगों के अंदर फायर थी उसे उसने और बंद कर दिया। जनरल डायर ने जिस जगह पे ये एक मीटिंग हो रही थी उसमें सिंगल एड्रिड एक ही एग्जिट डोर था, उस डोर को उन्होंने क्लोज कर दिया, और अपने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन को वहाँ उन्होंने ऑर्डर दे दिया फायर का। और इस मीटिंग में बच्चे, फीमेल्स, मेन, बहुत सारे पर्सन इसमें जो इनोसेंट अननोन पर्सन थे वो मारे गए। और आज भी हम देखेंगे तो जलियावाला बाग पे ये हमें बुलेट्स के निशान मिल सकते हैं। इस इंसिडेंट ने हैज़ एडेड द फ्यूल ऑफ द टू द फायर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मीन्स इसने, बोलते हैं जो हम आग में घी डालने, सो ये जो स्ट्रगल थी, लोग ऑलरेडी बहुत अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन जलियावाला बाग इंसिडेंट के बाद लोग पूरी तरह से अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, एंड जो फ्रीडम के लिए लोगों के अंदर डिटर्मिनेशंस थी वो और ज़्यादा हाई हो गई। अब लोग किसी भी कंडीशन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट करने को तैयार हो गए। सो 13th अप्रैल 1999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वॉट इज़ द नेम, जलियावाला बाग इन अमृतसर। देन खिलाफत मूवमेंट, वॉट इज़ खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे 1918 पे तुर्की वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द विक्टोरियस पावर। सो ये जो डिसीजन था वो अनएक्सेप्टेबल था इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी पे, दैट्स वाई द जो सुल्तान ऑफ तुर्की थे जिनको खलीफा कहा जाता था, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट लॉन्च किया। ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, वॉट इज एंटी, एंटी मीन्स ऑपोजिट, ब्रिटिश के ऑपोजिट उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, जिस मोमेंट को कहा गया खिलाफत मोमेंट। 1920 में इसे उन्होंने लॉन्च किया था, और इसे
खलीफा के ऑनर में रिस्टोर किया गया था. महात्मा गांधी एंड मैनी इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट द मूवमेंट. सो दिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो इस मूवमेंट के बाद में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई. सो खिलाफत मूवमेंट में आपको याद रखना है कि व्हेन हैज इट स्टार्टेड एट द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918. हु हैज स्टार्टेड द तुर्की सुल्तान खलीफा has started this movement and all the Indian Muslim community has joined this movement. Then after non-cooperation movement a Sahyog Andolan. non-cooperation movement launched by इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था. ये लॉन्च किया गया था बिकॉज ऑफ द क्योंकि जो तुर्की के रूलर थे खलीफा उनसे बहुत ही इल ट्रीट किया गया था उनको ब्रिटिशर्स से. एंड जलियांवाला बाग में जो मैसेक्री हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैसेक्री, बहुत सारे लोगों को, मासूम लोगों को मारा गया था जलियांवाला बाग कांड में. सो दैट्स वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये मूवमेंट था जिसमें लोगों ने बोल दिया कि हम ब्रिटिशर्स को किसी भी कंडीशन में सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी काम के लिए ब्रिटिशर्स के बनाए हुए किसी भी गुड्स का यूज़ नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स के किसी भी चीज़ को हम एग्री नहीं करेंगे. जिसके लिए अब लोगों ने जो उनको टाइटल्स मिली थी, जो इंडिया के जो रिनाउंड पर्सन्स थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑनर किया था, उन्होंने अपने ऑनर्स को अब लौटाने लगा. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड जो उनको टाइट अवार्ड मिला था वो नाइटहुड अवार्ड उन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड को रिटर्न कर दी. जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने स्कूल्स छोड़ दिया, जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने कॉलेज छोड़ दिए जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रन करते थे, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. सारी चीज़ों पे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया. बॉयकॉट का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स अगर किसी चीज़ को बनाएंगे, ब्रिटिशर्स अगर किसी चीज़ को सेल करेंगे, ब्रिटिशर्स अगर किसी सर्विस को चलाएंगे, स्कूल कॉलेज लॉ, सो वहाँ पे इंडियन बॉयकॉट कर देंगे, वहाँ इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, आज़ाद सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी. ये सारे जो फेमस लीडर्स थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ब्रिटिशर्स ने हर वो पॉसिबिलिटी मींस पे इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, इस मूवमेंट को अनसक्सेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया. लेकिन बहुत सारे अटैक भी हुए इसमें, पुलिस स्टेशन पे भी बहुत सारे ऐसे अटैक हुए जिससे कि एक इंसिडेंट हुआ जिसे कहा गया चौरी चौरा इंसिडेंट. सो इसके बाद 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी इस इंसिडेंट से वो शॉक्ड हो गए. एंड चौरी चौरा इंसिडेंट में, क्योंकि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया था, बट चौरी चौरा इंसिडेंट में पुलिस स्टेशन पे लोगों ने अटैक कर दिया जिससे कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की भी डेथ हो गई. और दैट्स वाई महात्मा गांधी ने कहा कि हमें नॉन वायलेंस के साथ ही ये फाइट करनी है, किसी को भी मारना नहीं है. दैट्स वाई इस मोमेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद में महात्मा गांधी ने फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉल कर लिया. सो दिस इज़ टुडे वी हैव लर्नड ऑल अबाउट द इंडिया विंस फ्रीडम 1915 to 1947. आज हमने देखा है 1915 to 1922 पे किस तरह से इंडियन फ्रीडम के लिए फाइट हुई. सो हमने देखा कि किस तरह से सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने रिटर्न हुए जब वो इंडिया पे, तो सत्याग्रह को उन्होंने एज अ टूल यूज़ किया विद द नॉन वायलेंस. चंपारण कैंपेन हमने देखा, जिसके बाद रॉलेट एक्ट हमने देखा, देन आफ्टर रॉलेट एक्ट हमने देखा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, देन आफ्टर खिलाफत मूवमेंट एंड देन आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. टुमारो वी विल लर्न साइमन कमीशन एंड टिल द इंडियन फ्रीडम. सो कल हम बाकी चैप्टर्स पे, पार्ट टू पे हम इसके बाकी चीज़ें भी अपलोड कर देंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल चैप्टर. सो प्लीज़ रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बी अप टू यू. जब तक आप स्टडी कर रहे हैं ये चैप्टर आपके साथ में रहेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ कंटिन्यूसली ऑफ दैट. इफ़ यू हैव एनी डाउट
in any query regarding this particular video, please write us on comment, and please subscribe so that you will get all the videos continuously in this channel. Thank you.